आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया घोघरी घाट में टैंकर पलट जाने पर टैंकर परिचालक की मौत हो जाने का बड़ा मामला सामने आया है। जहां एक्सीडेंट की यह घटना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शाहपुरा मार्ग पर घोघरी घाट की है एवं जबलपुर से एक टैंकर सड़क मार्ग से आ रहा था और अचानक अनियंत्रित होकर घोघरी घाट की गहरी खाई में गिर गया, जिसमें टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल है और परिचालक वीरू वीरेंद्र नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई एवं इस घटना में परिचालक का एक हाथ भी उसके शरीर से अलग हो गया है, जिसके शव को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर के सी सोनी ने बताया कि एक्सीडेंट के दौरान एक युवक को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया एवं पुलिस एवं परिजनों की मौजूदगी में पीएम कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। जहां घटना के संबंध में कोतवाली टीआई राजेंद्र चंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला मंडला मेढ़ी निवासी वीरेंद्र नामक युवक टैंकर परिचालक जबलपुर से सड़क मार्ग पर आ रहा था, उसी दौरान टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया जिसमें परिचालक की मौत हो गई एवं पीएम कार्रवाई के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि एक्सीडेंट की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। एक दिन पूर्व दो स्थानों पर दोनों वाहनों के पलट जाने से 2 दर्जन लोग घायल हो गए जिनका उपचार जारी है एवं एक्सीडेंट की घटनाएं आए दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रही हैं, जिसकी रोकथाम के लिए यातायात नियमों का पालन करने की सभी वाहन चालकों से अपील की जाती है। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। मैं उनका आधा लगता हूँ ग्राम मेढ़ी और ट्रक से एक्सीडेंट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें एक युवा ट्रक के पलट जाने के कारण मृत हो गया था, जिसे रात्रि में ही पुलिस के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया था और आज सुबह उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम होने के पश्चात उसके शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई रहेगी उसकी। ट्रक पलटने से उसकी मौत, मेढ़ी के रहने वाले हैं, जिला मंडला तहसील निवासी। घटना सहपुरा रोड में हुई है जहाँ उनकी मौत हुई। एक रोड एक्सीडेंट कम से कम हो उसके लिए स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए, स्पीड मीटर वो लग जाए कि यहाँ पे इतने किलोमीटर ही गाड़ी चलेगी। दूसरी बात, हेलमेट का उपयोग करें जो लोग की ज़्यादा दूरी 2 या 4 किलोमीटर पे चलते हैं, सभी लोग हेलमेट लगाएं। और जो सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है उस समय इस बात को जरूर सभी को देखा जाए कि जो व्यक्ति है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, गाड़ी चलाने का अनुभव है कि नहीं। ये सब बातें बहुत कुछ निर्भर एक्सीडेंट के पीछे निर्भर करता है पुलिस के कार्यों का। यदि पुलिस जो है सक्रियता से कड़ाई से यातायात नियमों का पालन कराए तो निश्चित रूप से रोड एक्सीडेंट कम हो जाता है। कि आए दिन नशे को लेकर के या लापरवाही पूर्वक दुर्घटनाएं जो घट रही हैं, इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं। जो सड़क दुर्घटनाएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार मैं तो हमेशा जो विभाग है उसको ठहराता हूँ, क्योंकि अगर विभाग सख्त हो जाए, आरटीओ विभाग हो या ट्रैफिक विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, अगर वो अपना काम शक्ति से ईमानदारी से करें तो ये इस प्रकार के एक्सीडेंट होना। एक ट्रक है जो कुछ केमिकल जबलपुर तरफ से लोड करके आ रहा था, तो गगरी गांव है उसके ऊपर जो जंगल है, पहाड़ है, वहाँ पर मोड़ है कई सारे, वो मोड़ की वजह से उसने नियंत्रण खो दिया था ड्राइवर ने और वो ट्रक वहीं पर पलट गया था और उसका जो क्लीनर था वो ट्रक के नीचे आ गया था और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको फिर बाद में मशीनें बुला करके और ट्रक को हटाया गया और उसकी बॉडी को निकाला गया, जिसका पीएम कराया जा रहा है और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको जांच भी लिया गया है। आपके सभी से अनुरोध है, पूरे उमरिया वासियों से, कि यातायात के जो नियम बने हैं हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, तो आप सभी से अपील है कि यातायात के नियमों का पालन करें और गाड़ी में शराब पीकर वाहन न चलाएं, चाहे और जब 4-व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट उसको लगा के रखें और जब 2-व्हीलर चलाएं तो हेलमेट लगाएं और साथ ही 2 सवारी से ज़्यादा ना बैठाएं, 3 सवारी जाते हैं तो उनमें भी, और तीसरा सबसे बड़ी कमी इस समय है कि बच्चे अपने बच्चों को, पेरेंट्स जो है बच्चों को अपने जो 18 वर्ष से कम है, नाबालिग हैं, उनको भी स्कूटी मोटरसाइकिल
आदि गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, जो बहुत ही दुर्घटना में इसके इजाफा होगा। सबसे अनुरोध है कि नियमों का पालन करें ताकि सुरक्षित रहें।